चुका एंड यू आर वॉचिंग नेक्स्ट नाइन न्यूज. और नेक्स्ट नाइन न्यूज में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ आप सभी का फेवरेट शो. आज हम यहाँ बात करेंगे बॉलीवुड के दबंग यानी कि सलमान खान के बारे में. वैसे सलमान खान के बारे में अगर बात की जाए तो सलमान खान बी टाउन के दमदार एक्टर के तौर पर जाने जाते हैं और कई लंबे अरसे से चले जा रहे हैं. 90 के दशक में पॉपुलर रहे तो अभी की बात कर रहे हैं, अभी 20s में भी हिट चल रहे हैं और भी पहले काफ़ी फिल्में की हैं. लेकिन आज हम अक्षय कुमार के आज हम अगर सलमान खान के बारे में बात करें तो सलमान खान आजकल कई ऐसी नई नए एक्ट्रेसेस के साथ काम भी कर रहे हैं, फिर चाहे वो करीना कपूर हो, कटरीना कैफ हो, इनके साथ तो सलमान की जोड़ी हिट रही. लेकिन आपको पता है ये बात कि जब इन्होंने डेब्यू किया, जब सलमान खान एक पॉपुलर एक्टर के तौर पर थे, तो उस समय भाई जो एक्ट्रेसेस थी, करीना हो, कटरीना हो, इनकी उम्र काफ़ी छोटी थी. जी हाँ, काफ़ी लंबा एज गैप है. तो आज हम बताएंगे उन एक्ट्रेसेस के बारे में जो सलमान खान के साथ अपनी फिल्म को लेकर चर्चाओं में रही, लेकिन जब बात आई एज गैप की तो भाई काफ़ी हैरानी वाली चीज़ें देखने को मिले. तो उसके लिए आपको नज़र डालना पड़ेगा हमारे इस रिपोर्ट पर और देखना पड़ेगा कि आखिरकार वो कौन कौन सी एक्ट्रेसेस है सलमान के साथ. बॉलीवुड के टाइगर और दबंग खान यानी सलमान खान बॉलीवुड के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल एक्टर में से एक. उन्होंने बॉलीवुड में एक से एक हिट फिल्म देखी. 80 के दशक में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले सलमान ने बॉलीवुड में हर तरह की फिल्में की हैं, या ये कहें अपने किरदारों से उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया है, फिर चाहे वो एक्शन मूवीज हो, इमोशनल ड्रामा हो, तमिल ड्रामा हो या फिर कॉमेडी हो. सलमान हर फिल्मों में अपना हाथ आजमा चुके हैं और साथ ही साथ अगर हाथ आजमाने की बात आई है तो आप सभी को बता दें कि सलमान की अलग अलग जॉनर की फिल्म लगभग सारी ही हिट्स रही हैं. जी हाँ, इसी के साथ आपको बता दें कि सलमान खान ने 80 के दशक में अपने फिल्मी करियर का आगाज किया था. अब 80 के दशक में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले सलमान ने बॉलीवुड में कई सारी फिल्में की, लेकिन आज हम यहाँ बात करेंगे कि आज के समय में जो वो जिन एक्ट्रेसेस के साथ स्क्रीन शेयर करते हैं, जो उनकी लीड एक्ट्रेसेस हैं, जो उनके साथ लीड रोल में नजर आती हैं, वो उनकी फिल्मों में आने से पहले उस दौरान घर वालों के गोद में खेला करती थी. जी हाँ, और इस कड़ी में हम सबसे पहले बात करेंगे बॉलीवुड की टाइगर्स कही जाने वाली कटरीना कैफ के बारे में. जी हाँ, कटरीना कैफ और सलमान खान के अफेयर से हर कोई वाकिफ है. पहले सलमान और कटरीना एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन फिर बाद में कटरीना रणबीर कपूर के साथ रिलेशनशिप में आ गई, जिसके बाद सलमान और कटरीना का रिश्ता टूट गया. लेकिन अब सलमान और कटरीना फिर से साथ में नजर आते हैं. कहा जाता है कि सलमान और कटरीना एक बार फिर से एक दूसरे के करीब आ चुके हैं. कल आप सभी को बता दें कि साल 1988 यानी कि ईयर 1988 में सलमान ने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था. उस दौरान कटरीना की उम्र केवल 5 साल थी. और अभी की फिलहाल बात करें तो अभी कटरीना की उम्र 35 साल की है और सलमान 52 के ऊपर के हो चुके हैं. अब वहीं अगर अगली एक्ट्रेस की अगर बात की जाए तो यहाँ नेक्स्ट जो नाम है वो है अनुष्का शर्मा का. जी हाँ, अनुष्का शर्मा जो की बॉलीवुड में टॉप एक्ट्रेस मानी जाती है. अनुष्का शर्मा की बात की जाए तो अनुष्का सलमान के साथ फिल्म सुल्तान में स्क्रीन शेयर कर चुकी है, जहां अनुष्का और सलमान भी एक साथ काफी पसंद किए गए. इन्हें को इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा तारीफें भी मिली थी. वेल, इसी के साथ आप सभी को बता दें कि सुल्तान में सलमान संग नजर आई एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा. बता दें कि जब बॉलीवुड में सलमान यानी दबंग खान ने जब कदम रखा था, जिस दौरान उनका बॉलीवुड डेब्यू था, उस दौरान अनुष्का की उम्र सुनेंगे आप तो यकीनन हैरत में पड़ जाएंगे. आप सभी को बता दें उस समय अनुष्का शर्मा सिर्फ और सिर्फ 30 साल की थी. वही इस कड़ी में जो अगला नाम है वो नाम है करीना कपूर खान का. करीना कपूर खान ने साल 2000 में बॉलीवुड में कदम रखा था, लेकिन सलमान के बॉलीवुड डेब्यू के दौरान उनकी उम्र केवल 8 साल थी. जी हाँ, वाकई आप सभी को सुनने में हैरानी होगी, लेकिन ये बात सच है. उस दौरान करीना सिर्फ और सिर्फ 8 साल की थी. बता दें कि करीना और सलमान भी कई साथ स्क्रीन शेयर कर चुके हैं कई फिल्मों में.
सलमान और करीना की अगर फिल्मों की लिस्ट के बारे में बात की जाए तो सलमान की जोड़ी फिल्म बजरंगी भाईजान बॉडीगार्ड क्योंकि जैसी फिल्मों में देखा जा चुका है जहां इनको एज अ कपल भी काफी पसंद किया गया। जी हाँ, यकीनन अगर आप एक्ट्रेसेस की उम्र सुन रहे होंगे तो आप सभी को हो रही होगी हैरानी कि सलमान के बॉलीवुड डेब्यू के दौरान की एक्ट्रेसेस वाकई बहुत छोटी थी। इसके साथ आप सभी को बता दें कि जो अगला नाम है वो है जैकलिन फर्नांडिस का। जैकलिन फर्नांडिस जो इस समय सलमान के साथ कई फिल्मों में नजर आ चुकी है और सलमान की फिल्मों से वो तारीफें भी बटोर चुकी है। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि जैकलिन और सलमान फिल्म के और रेस 3 में साथ में काम कर चुके हैं। और बात करें अगर जैकलिन की उम्र की जब सलमान ने बॉलीवुड डेब्यू किया था तो आपको जानकर हैरानी होगी। जी हाँ, जैकलिन उस समय सिर्फ और सिर्फ 3 साल की थी जब सलमान ने अपने करियर का आगाज किया था। और अभी रिसेंटली की अगर बात की जाए तो रिसेंटली मैं अगर जैकलिन की उम्र पर नजर डालें तो आप सभी को बता दें कि जैकलिन की उम्र 33 साल है और वो बॉलीवुड में कई फिल्में कर चुकी हैं और साथ ही साथ बॉलीवुड में हिट चेहरा भी बन चुकी हैं। मैं बता दें कि अब बात करेंगे लास्टली दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा के बारे में। जी हाँ, दबंग गर्ल जिन्होंने बॉलीवुड में कदम ही सलमान की फिल्म से रखा था, सलमान की फिल्म दबंग से, और दबंग से ही वो चर्चाओं में आ गई जहां एक तरफ सलमान खान को बॉलीवुड का दबंग खान कहा जाता है तो वहीं आप सभी को बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा को बॉलीवुड का दबंग गर्ल भी कहा जाता है। बता दें कि सोनाक्षी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत सलमान की फिल्म दबंग से साल 2010 में की थी, लेकिन अब भी यहाँ हैरानी की बात है। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार जब सलमान ने फिल्मों में कदम रखा होगा तो सोनाक्षी की उम्र कितनी होगी, तो आप सभी को बता दें कि सोनाक्षी उस समय सिर्फ 1 साल की थी। जी हाँ, जब सलमान ने बॉलीवुड में कदम रखा था तो सोनाक्षी उस समय 1 साल की थी, लेकिन तब का समय देखिए और आज का समय देखिए, सोनाक्षी और सलमान फिल्मों में स्क्रीन शेयर कर चुके हैं और ऐसा पति पत्नी के किरदार में भी एक साथ नजर आ चुके हैं। जिसमें हमने बात की सलमान खान के बारे में और उनकी हसीनाओं के बारे में। जी हाँ, किस तरह से वो इन हसीनाओं के साथ फिल्म स्क्रीन शेयर कर चुके हैं, लेकिन जब वही बात आती है एज गैप की, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि कितना एज गैप है इन एक्ट्रेसेस में और सलमान में, जहां सलमान उस टाइम पर एक पॉपुलर एक्टर के तौर पर माने जाते थे तब ये काफी छोटी थी। अब ऐसे में हम यही कहेंगे भाई सलमान का जो जलवा है वो काफ़ी लंबे समय तक चल रहा है और आगे आने वाले टाइम पर भी चलता रहेगा, क्योंकि सलमान की जो स्टारडम है उसके एक अपने अलग ही चीज़ है। तो ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम जिसमें हमने बात की दबंग खान और उनकी हसीनाओं के बारे में, लेकिन इसके अलावा आप हमसे बहुत कुछ जान सकते हैं, हमसे शेयर कर सकते हैं या हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या आप किसी सेलेब के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। कमेंट के अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं nextmynewscomment@gmail.com पर मेल करें अपना मैसेज और हम प्रोग्राम में शेयर करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ले लेती हूँ मैं इजाजत, कल फिर आऊंगी एक खास शो के साथ। नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें।